ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ॐ शन्नो मित्र शम्भरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राह ग्रासैक कर्मणे श्लोक नंबर 75 विचाराज्जायते बोधः विचाराज्जायते बोधः अनिच्छायं न निवर्तयेत् अनिच्छायं न निवर्तयेत् स्वोत्पत्तिमात्रात् संसारे स्वोत्पत्तिमात्रात् संसारे दह्यत्यखिल सत्यतां दह्यत्यखिल सत्यतां नेक्स्ट तावता कृतकृत्यः सन् तावता कृतकृत्यः सन् नित्यतृप्तिमुपागतः नित्यतृप्तिमुपागतः जीवन्मुक्तिमनुप्राप्य जीवन्मुक्तिमनुप्राप्य प्रारब्धक्षयमिक्षते प्रारब्धक्षयमिक्षते विचाराज्जायते बोधः शास्त्र विचार से ही बोध है ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न होता है अनिच्छा यम न निवर्तयेत इच्छा न होने पर भी उनका निवारण नहीं हो सकता है ज्ञान वस्तु तंत्र है और वो प्रमाण पर आधारित है प्रमाण प्रवृत्ति से ही वस्तु तंत्र ज्ञान है आपकी आंख खुली है आपके सामने कुछ है वो दिखाई देगा आपको आपकी आपको वो देखना है नहीं देखना है वो दिखाई देगा आपको आप सुन और इसलिए कहते हैं कि ये ब्रह्म ज्ञान एक बार ज्ञान होता है फिर उनका निवारण संभव नहीं है इसलिए स्वामी जी हमेशा कहते थे एक बार अज्ञान की निवृत्ति हो गई वो वापस आता नहीं है और एक बार ज्ञान होता है वो ज्ञान वापस जाता नहीं है अब इग्नोरेंस गोज फॉर एवर
एक बार अज्ञान की निवृत्ति हो गई, एक बार ज्ञान हो गया, न निवृत्ति है, उनकी निवृत्ति संभव नहीं है। इतना ही नहीं, स्व उत्पत्ति मात्रात, वो ब्रह्म ज्ञान अपनी उत्पत्ति मात्र से ही ये संसार की जो सत्यता है उनके दहन कर देते। लेकिन वो ब्रह्म ज्ञान का फल क्या है? आपको संसार में सत्यता नहीं है, देहादि में अहम बुद्धि नहीं है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान का जो फल है वो क्या है? तावता कृतकृत्य सन्नित्य तृप्ति उपागत है। इस प्रकार से जिसने अपनी पूर्णता को जान लिया है, कृतकृत्यता, हम देख के गए ये सब, ब्रह्म ज्ञान से ही कृतकृत्यता, जो भी कुछ करने का बाकी है सब हो गया, कृतम कृत्य। अब जो कृत्य माने जो करने योग्य है वो कृतम हो गया, उनके लिए कोई कर्म बाकी नहीं है। नित्य तृप्ति उपागत है, तृप्ति दी प्रकरण में हमने देखा उनको नित्य तृप्ति की प्राप्ति होती है। संसार में जो सब तृप्ति है वो अनित्य है। आइसक्रीम खा लिया, पत्नी हो गई, पुत्र हो गया, घर बन गया, अब कुछ बाकी है, कुछ करने का बाकी है, कुछ भोगने का बाकी है। लेकिन एक बार जिसको नित्य तृप्ति की प्राप्ति हो गई, कुछ बाकी नहीं है उनके लिए। नित्य तृप्ति उपागत है, आप देखो ये ब्रह्म ज्ञानी के लिए विशेषण है, कृतकृत्य है, वो कृतकृत्य है। नित्य तृप्ति उपागत है, जिसको नित्य तृप्ति की प्राप्ति हो गई, उपागत है, वो क्या है? जीवन मुक्त जीवन मुक्ति मनु प्राप्त्य अनु, अनु माने बाद में, रामः गच्छति लक्ष्मणः अनुगच्छति। जो पीछे होता है उसके लिए अनु शब्द का प्रयोग होता है, अनुजह। आप देखो जो पहले जिसका जन्म हुआ ज्येष्ठ, राम ज्येष्ठ है, लक्ष्मण अनुजह है, क्योंकि अनु बाद में जिसका जन्म हुआ है। तो जिस प्रकार से वो कृतकृत्य का प्राप्ति होती है, नित्य तृप्ति की उनको प्राप्ति हो गई, उनके लिए क्या है? जीवन मुक्ति मनु प्राप्य, उनके बाद उसको जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है। और जीवन मुक्ति की प्राप्ति एक बार हो गई, प्रारब्ध क्षय ईक्षरे, आप देखो फिर तो उनके लिए प्रारब्ध क्षय ही है, हम देख के गए सब। एक बार अपने आप में वो तृप्त हो गए, नित्य तृप्ति की प्राप्ति हो गई, फिर तो प्रारब्ध कर्म से जो होना है वो होता रहता है। प्रारब्ध क्षय ईक्षते, कोई बाकी नहीं उनके लिए, कुछ आने जाने का नहीं है, कुछ मिलने का नहीं, कुछ करने का नहीं है, कुछ भोग नहीं है उनके लिए। और इसीलिए वो जीवन मुक्ति का आनंद उनको प्राप्त होता है। लेकिन प्रारब्ध के अनुरूप अगर कोई तीव्र प्रारब्ध है जिसके कारण कोई दुखात्मक प्रतिकूल परिस्थिति का भी उनको सामना करना पड़ता है, तीव्र प्रारब्ध से कोई प्रतिकूलता की प्राप्ति भी होती है, प्रतिकूलता के कारण दुख की अनुभूति भी है, लेकिन दुख की अनुभूति होने के कारण उनकी जीवन मुक्ति में कोई दोष नहीं है। अब देखो जो प्रारब्ध से होता है, प्रारब्ध के अनुरूप प्रतिकूलता है, प्रतिकूलता के कारण मन में दुख की भावना होगी, लेकिन उनका अर्थ ये नहीं कि ये जीवन मुक्त नहीं है। महर्षि हमेशा कहते थे कि प्रारब्ध कर्म में जो है वो तो होके ही रहेगा, अनुकूलता है तो अनुकूलता रहेगी, प्रतिकूलता है तो प्रतिकूलता रहेगी, और प्रतिकूलता के अनुरूप मन में जो भाव है वो भाव भी जागृत होंगे, क्योंकि वो स्वभाव है, प्रकृति है। आप समझो प्रतिकूलता है तो वो कोई अट्टहास्य करने वाला नहीं है, दुखी होंगे वो भी, लेकिन वो साक्षी भाव भी है। और इसलिए कहते हैं जीवन मुक्ति मनु प्राप्य प्रारब्ध क्षय ईक्षते,
यहाँ इस जन्म में ही वो मुक्त हो गए हैं और प्रारब्ध क्षय देखते रहते हैं, प्रारब्ध क्षय से ही विदेह कैवल्य। अब देखो तो विदेह कैवल्य की भी उनको प्राप्ति हो जाती है। जिस समय ये प्रारब्ध क्षय हो जाता है, ये शरीर जो है यहां ही शांत हो जाता है और उनके प्राण का उत्क्रमण नहीं होता है। तस्य प्राण न उत्क्रमन्ति। अब देखो यही वो प्रविलीयते। स्थूल शरीर तो सबके सब स्थूल शरीर जो है यहां पंच महाभूत में विलीन हो जाता है, उनके सूक्ष्म शरीर भी पंच महाभूत में विलीन हो जाता है, वो प्राण का उत्क्रमण नहीं होता है और इसीलिए उनको विदेह कैवल्य की भी प्राप्ति हो जाती है। तो बोले कि आप ये कह रहे हो कि ब्रह्म ज्ञान से ही कृत कृत्यता है, तो ये ब्रह्म की जो उपासना, निर्गुण ब्रह्म की उपासना आप दर्शा रहे हैं, तो वो निर्गुण ब्रह्म की उपासना जो है वो उपासना क्यों है, उनका स्वरूप क्या है, उनका फल क्या है, वो अभी अगले श्लोक में दर्शाते हैं। आप तो उपदेशम विश्वस्य, आप तो उपदेशम विश्वस्य श्रद्धालुर विचारयन् चिंतयेत् प्रत्ययेरन्यैः अनन्तरितवृत्तिभिः। श्रद्धालुः, विश्वस्य माने कि वो जो श्रद्धालु है, आप्त उपदेशम विश्वस्य, आप्त उपदेश पर उनका विश्वास है, विश्वस्य विश्वास करके उनको विश्वास है। आप्त उपदेश माने कि जो आप्त जन है जिसके ऊपर उनको श्रद्धा है, तो वो श्रद्धालु जन जो है आप्त उपदेश पर उनको श्रद्धा है, उन पर विश्वास करते हैं, विश्वस्य विश्वास करके। अविचारयन, वो स्वयं कोई विचार नहीं करते हैं, अन्यैहि प्रत्ययैहि। अब देखो तो कोई समर्थ सद्गुरु की जब प्राप्ति हो जाती है, समर्थ सद्गुरु जो है, समर्थ सद्गुरु का जो उपदेश है, वो उपदेश की उनको प्राप्ति होती है, वो स्वयं कोई विचार नहीं करते हैं, लेकिन वो स्वयं का जो श्रद्धा जो है उनकी श्रद्धा के कारण क्या होता है, जो सद्गुरु का उपदेश है उनमें ही वो सत्य बुद्धि कर लेते हैं, स्वयं कोई विचार नहीं करेंगे, लेकिन उनको विश्वास है। अन्य ही प्रत्यय ही, आप देखो अंतरित वृत्ति भी चिंतयेत। तो ब्रह्म की उपासना माने कि मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, इस प्रकार से वो चिंतन नहीं करते हैं, लेकिन गुरुजी ने जो उपदेश किया है वो उपदेश के अनुरूप अन्य सर्व प्रकार की वृत्ति का त्याग करके वो ब्रह्म ज्ञान की वृत्ति जो है वो वृत्ति उत्पन्न करते हैं और इसलिए कहते हैं अंतरित वृत्ति भी चिंतयेत् प्रत्ययी। वो ब्रह्म वृत्ति से ब्रह्म चिंतन करते रहते हैं, लेकिन वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, क्योंकि गुरु के उपदेश पर उनको विश्वास है, गुरु के उपदेश पर विश्वास करके श्रद्धा करके वो ब्रह्म चिंतन करते हैं। मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है ये ज्ञान नहीं है वहां पर, लेकिन गुरु का उपदेश है तो वो ब्रह्म चिंतन करते रहते हैं। अब और इतना ही नहीं, जब वो ब्रह्म चिंतन करते हैं तो धीरे धीरे उनके मन में भी ये वृत्ति उत्पन्न होती है और इसलिए कहते हैं कि वो चिंतन करते करते, तो वो एक या दो दिन की बात नहीं है, आप समझना ये ठीक से। इस प्रकार से गुरु के शब्द पर, गुरु के उपदेश पर विश्वास करके जो श्रद्धालु जन चिंतन करते हैं वो एक या दो दिन की बात नहीं। देखो इसलिए मैं कहती हूं, आजकल जो ये लोग करते हैं दो दिन के शिविर में जाते हैं, चार दिन के शिविर में जाते, वो समझ लेते हैं हमने तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया। दीर्घ काल पर्यंत ये करना पड़ता है,
गुरु एक बार उपदेश कर दिया, वो ब्रह्म चिंतन निरंतर करते रहते हैं, उसी में वो जीवन अपना समर्पित करते हैं। और इस प्रकार से दीर्घ काल पर्यंत जब वो ब्रह्म चिंतन करते हैं तो उनको भी ब्रह्म साक्षात्कार होता है, लेकिन उनमें ये समय की अवधि है, आप समझना। और इसीलिए आगे के श्लोक में वो प्रश्न करते हैं कि ये उपासना तो करते हैं लेकिन कितने समय तक उपासना करनी है, एक दिन, दो दिन, एक महीना, एक वर्ष? तो इसलिए आगे का श्लोक जो है वो हमें दर्शाते हैं। आगे का श्लोक, यावच्चिन्त्यस्वरूपत्व अभिमानस्वस्य जायते, अभिमानस्वस्य जायते तावद्विचिन्त्य पश्चाच्च तथैवामृतिधारयेत्। यावत् जब तक चिंत्य स्वरूपत्व अभिमान स्वस्य जायते, स्वस्य अभिमान, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, इस प्रकार की जब तक वृत्ति उत्पन्न नहीं होती है स्वस्य अपने आप में, अब देखो, तो इस प्रकार से जब तक ये चिंत्य स्वरूपत्व, ये स्वरूप का वो चिंतन करते रहते हैं, तो जब तक ये वृत्ति उत्पन्न नहीं होती है स्वस्य, आप देखो, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप हूं, इस प्रकार की वृत्ति जब तक उत्पन्न नहीं होती है तब तक उनको तावत विचिंत्य, तब तक उनको ये चिंतन करते रहना है। पश्चात तथैव अमृति धारये, और बाद में भी क्या करना है? देखो, ये एक दूसरा एक प्रश्न है। बहुत सारे लोग स्वामी जी को भी ये प्रश्न पूछते थे, स्वामी जी ये ब्रह्म ज्ञान के बाद क्या करेंगे? अब देखो, ये ब्रह्म की उपासना करें, वो ब्रह्म की उपासना से वो ब्रह्म के स्वरूप में स्थित हो गए, बाद में क्या है? पश्चात, आप देखो, ये पश्चात है ही नहीं, आप देखो, क्यों? क्योंकि उनको ये ब्रह्म चिंतन के जो उनका स्वभाव बन गया है, तो एक बार ब्रह्म चिंतन करना उनका स्वभाव बन गया है, मैं पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है उनका स्वरूप बन गया है, तो फिर वो क्या करेंगे? अमृति धारे, वही वो अपना जो अमृत स्वरूप है वो अमृत स्वरूप ही धारण करके बैठते हैं, अन्य कोई चिंतन की आवश्यकता नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञान के लिए ब्रह्म चिंतन है, अन्य कोई उनका फल नहीं है, आप समझो, परिणाम नहीं है उनका। देखो, इसलिए मैं कहती हूं कि जो भी संप्रदाय है, लक्ष्मी पूजा करेंगे, 108 पार्थिव लिंग पूजा करें, ठीक है, सांसारिक लोग जो अपने संसार में पड़े हुए हैं उनके लिए ऐसी कोई पूजा रखेंगे तो उनका मन थोड़ा ईश्वर में लगेगा, ईश्वर के प्रति उनकी श्रद्धा बढ़ेगी, लेकिन वो भी एक कर्म है, आप समझो, और वो कर्म के कारण पुण्य की उत्पत्ति होती है, लेकिन इस जन्म में हमें क्या प्राप्त हुआ, यह ही हमें ये प्राप्त करना है ना। ब्रह्म ज्ञान कोई भविष्य की बात नहीं है, यह तर्जित सर्ग, यह मने यहां ही, यहां इस जन्म में ही हमें ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करनी है, ये कोई फ्यूचरिस्टिक प्लान, भविष्य का कोई आयोजन नहीं है, क्योंकि आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप है, आप पूर्ण चैतन्य स्वरूप है। और इसलिए कहते हैं कि एक बार जिसने अपने पूर्णता की प्राप्ति कर ली, फिर वो रहेगा कहां? यहीं उसी में रहेंगे। और इसलिए कहते हैं पश्चात तथा एव अमृति धारये, तथा एव मानेगी उसी प्रकार से वो अपने अमृत स्वरूप में, अपने ब्रह्म स्वरूप में धारण करके वो रहते हैं, वही ब्रह्म स्वरूप में वो स्थित होते हैं और उसी को धारण करके वो रहते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रह्म ज्ञान के बाद कुछ और करेंगे,
देखो इसलिए आगे के मंत्र में कहा कृतकृत्यता, कुछ करने का बाकी ही नहीं है उनके लिए, कुछ भोग भी बाकी नहीं है, कोई परलोक में जाने का भी उनको बाकी नहीं है। और इसलिए कहते हैं कि तथा माने कि वही ब्रह्म स्वरूप में उनकी स्थिति हो जाती है, फिर कुछ त्याग करने का नहीं है क्योंकि वो अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गए हैं और वही धारण करके रहते हैं। उनके जो देहादि में अहम बुद्धि है वो देहादि की अहम बुद्धि की निवृत्ति हो जाती है, प्रारब्ध के अनुरूप जो होता है वो होता रहेगा, सुख दुख भी आते रहेंगे, प्रतिकूलता अनुकूलता भी आती रहेगी। इसीलिए भगवान कहते हैं ना सिद्ध प्रज्ञ के लक्षण दुखेशु अनुद्विग्न मनः, माने क्या दुखेशु, आप देखो दुखम 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 दुखेशु बहुवचन है, माने कि उनके जीवन में भी दुख के प्रसंग होंगे, उनमें उनके मन में भी उद्विग्नता आएगी, वो क्षणिक होते वो निकल जाते हैं। सुखे सुविगत स्पृह, तो उनके जीवन में भी सुख दुख आते रहेंगे, शुभ शुभ परित्यागी समशत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमान यो हो, तो उनके जीवन में भी शत्रु मित्र रहेंगे, उनके जीवन में भी मान अपमान रहेंगे, प्रारब्ध के अनुरूप ये सब होता रहेगा। ऐसा मत मानना कि ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद सब अनुकूल बन जाएगा। बहुत सारे ऐसे साधक होते हैं, मैंने देखा है कि जीवन में प्रतिकूलता आती है तो उनके मन में प्रश्न, तो ये सब पढ़ने का या ये सब अध्ययन का क्या, आपका जो प्रारब्ध है प्रारब्ध के अनुरूप आपके जीवन में होता रहेगा, प्रारब्ध के अनुरूप आपको भी सुख दुख की प्राप्ति होती रहेगी, आप उनको उनका निवारण नहीं कर सकते हैं। अब तुम कई लोग मेरे साथ ऐसा क्यों होता, वो आपका प्रारब्ध है, आप देखो किसी के कारण नहीं है, किसी के ऊपर हमें कोई आरोप करने की आवश्यकता नहीं है, हमारे प्रारब्ध के अनुरूप हमारे साथ जो होना है वो होता ही रहेगा, किसी के ऊपर आरोप करके हमें क्या मिलेगा। और इसलिए कहते हैं अमृति धारयेत, अब देखो बहुत सुंदर, अमृति धारण की अपने अमृत स्वरूप में ही वो धारण करके बैठते हैं, बाकी जो होता है वो होता रहेगा, जो करना है वो करते रहेंगे। और इसलिए कहते हैं तथा एव, जो चिंतन ब्रह्म चिंतन वो करते थे, जो ब्रह्म चिंतन में उनकी स्थिति हो गई है, बस वो ही उनका स्वरूप है और उसी में वो रहते हैं, लेकिन प्रारब्ध के अनुरूप जो भी कुछ हो रहा है वो भी होना है। किसी को हम दोषारोपण करके क्या करेंगे, कोई दोषारोपण की आवश्यकता नहीं है, उतना ही नहीं आप समझो ये ठीक से, अन्य पर दोषारोपण तो करना ही नहीं है, लेकिन किसी अपराध बोध में भी नहीं बैठना है, कोई अपराध बोध गिल्ट की आवश्यकता नहीं है, हमें गिल्ट और हर्ट नहीं चाहिए, हमें क्यों अपराध बोध में हम बैठेंगे। अब तो और इसलिए कहते हैं कि उनकी स्थिति तो अपने स्वरूप में अमृति धारये, अपना जो अमृत स्वरूप जो है उसी में वो स्थित हो जाते हैं, और जब तक मृत्यु नहीं होता, माने कि ये प्रारब्ध क्षय नहीं होता है, जब तक ये शरीर रहेगा तब तक उसी स्थिति से वो रहेंगे, जब तक ये प्रारब्ध क्षय नहीं होता है तो ये जीवन मुक्ति अवस्था उनकी रहेगी। तथा एव, तथा एव माने क्या है, जो प्रारब्ध है, दोनों जो तथा एव है ना, दोनों ओर से लेना है, ज्ञान की दृष्टि से भी लेना है, प्रारब्ध की दृष्टि से भी लेना है। ज्ञान की दृष्टि से वो अपने स्वरूप में उसी प्रकार से वो स्थित हो जाएंगे, और प्रारब्ध की दृष्टि से देखते हैं तो जो प्रारब्ध है वो रहेगा,
अब मैं पहले से कहती हूं, आप ऐसा मत माना कि वेदांत आपका प्रारब्ध बदल देगा। माता जी वो महात्मा के पास गए, उसने ये कर दिया और बदल गया मेरा जीवन। वेदांत ये प्रारब्ध बदलने के लिए नहीं है। और प्रारब्ध बदल के कितना प्रारब्ध आप बदलोगे? आपके जीवन में बहुत सारे ऐसी वस्तु है, ऐसे व्यक्ति है जिनको आप नहीं बदल सकते, क्यों? आपका प्रारब्ध है वो, और उनका अगर आप विरोध करेंगे तो उनके विरोध से अगर आप सोचते हो कि उनको आप दुख दे रहे हो, उनको दुख नहीं दे रहे, आप दुखी हो रहे हो। और इसलिए कहते तथा एव अमृति धारये, जो प्रारब्ध कर्म अनुरूप है वो होने ही वाला है, और उनके अमृति धारये मृत्यु पर्यंत वो ऐसे ही रहेंगे। और कल क्या होगा, किसको किसने जाना है? आप देखो प्रारब्ध में कल क्या है, हमें कुछ कोई ज्ञान नहीं है। कब राजा रंक बन जाते हैं, कब रंक राजा बन जाते, ये सब प्रारब्ध है। आप देखो शास्त्र में लिखा है कि आप अगर सोचते हो कि आपके परिश्रम के परिणाम से आपको धन की प्राप्ति होती है, तो सबसे अधिक परिश्रम करने वाले तो रास्ते बनाने वाले जो मजदूर लोग हैं, वो परिश्रम करते हैं। आपका परिश्रम क्या है? और अगर बुद्धि से आपको धन की प्राप्ति होती, बुद्धि से आप ये सब प्राप्त कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे बुद्धिमान लोग हैं जो दरिद्र भी है। आप समझो प्रारब्ध से ही ये सब हो रहा है। आपके जीवन में जो है वो प्रारब्ध से है, तो किसी पर दोषारोपण करने की आवश्यकता नहीं है, और अपने आप पर भी अपराध बोध की आवश्यकता नहीं, हर्ट और गिल्ट की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए तैतृय उपनिषद में कहते हैं जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया है वो दोनों ओर से मुक्त है। किम अहम पापम अकरवम, अब देखो तो मैंने ऐसे कर्म क्यों किए, ऐसा कोई उनके मन में अपराध बोध नहीं है। मैंने पुण्य कर्म क्यों नहीं किए, ऐसे भी उनके मन में कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि प्रारब्ध के अनुरूप ही जीवन है उनका। और इसलिए कहते हैं तथा एव अमृति धारयेत, उसी प्रकार से वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जिस प्रकार से प्रारब्ध उनके सामने खुलता है, उसी प्रकार से वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कोई मन में विरोध नहीं है, आप समझो। विरोध स्वामी जी हमेशा कहते थे, हमें जो दुखी करता है ये विरोध हमें दुखी करता है। हमारे आग्रह, हमारी अपेक्षा, हमारे आक्रोश हमें दुखी करते हैं, जगत हमें दुखी नहीं कर रहा है। हमारे मन में जो विरोध है, हमारे मन में जो अस्वीकार है, हमारे मन में जो आग्रह है, अपेक्षा है, और इसलिए कहते हैं कि प्रारब्धाय समर्पितम स्ववपु, उन्होंने तथैव प्रारब्ध के अनुरूप जो भी उनके जीवन में, उसी प्रकार से वो जीवन व्यतीत करते हैं। अमृतिधार मृत्यु पर्यंत, आप समझो। तो बोले कि आप कैसे कहते हो कि इस प्रकार से वो दीर्घ काल पर्यंत जब ब्रह्म चिंतन करते रहते हैं तो उनको भी ब्रह्म साक्षात्कार होता है? तो उनके लिए आगे का श्लोक है, ब्रह्मचारी भिक्षमाण ब्रह्मचारी भिक्षमाण युत संवर्ग विद्यया युत संवर्ग विद्यया स्व संवर्ग रूपताम चित्ते संवर्ग रूपताम चित्ते धारयित्वा ह्य भिक्षतः धारयित्वा ह्य भिक्षतः। ब्रह्मचारी भिक्षमाणः, तो कहेंगे ये संवर्ग विद्या का जो है भिक्षमाणः, भिक्षमाणः माने कि वो ब्रह्मचारी है,
और ब्रह्मचारी का जीवन है तो जिसमें वो भिक्षा मांगते हैं, ये उनका जीवन है। भिक्षुक उनका जीवन है, वो भिक्षा मांगते भी हैं, लेकिन जब वो भिक्षा मांगते हैं कश्चिन संवर्ग गुण विशिष्ट प्राण उपासक ब्रह्मचारी, ये संवर्ग विद्या जो है, संवर्ग विद्या माने की एक विशेष प्रकार का संवर्गत्व। अब देखो गुण विशिष्ट प्राण उपासक ब्रह्मचारी, ये ब्रह्मचारी है, वो संवर्ग विद्या के उपासना कर रहा है। भिक्षा हरणार्थम आगत्य अभिप्रेत राग्नः पुरतः महात्मनः चतुरः देव एकः स जागरः भुवनस्य गोपः। वो भिक्षाटन भी करते हैं, भिक्षमाण आते, लेकिन उनका चित्त तो क्या है, वो उपासना में ही है। आप देखो राजा के पास जब भिक्षा मांगने वो जाते हैं, लेकिन उनकी वृत्ति जो है संवर्ग रूप दाम चित्ते धारयित्व ही अभिक्षत, वो भिक्षा मांगते हैं लेकिन उनकी बुद्धि जो है वो तो चिंतन में ही लगी हुई है। अब देख बाहर से ये सब होता रहता है, और इसलिए कहते हैं कि ये सब भिक्षाटन जब करते हैं तब भी उनका मन जो है वो संवर्ग विद्या में ही प्राण ब्रह्म जो है संवर्ग रूपताम वही उनको धार वही वो धारित्व धारण करके ही भिक्षाटन करते हैं। माने कि वो बाह्य जगत की दृष्टि से बहुत कुछ होता रहेगा, बाह्य जगत की दृष्टि से लगेगा कि वो राजा के पास जाके भिक्षाटन कर रहे हैं, भिक्षुक है तो बाह्य दृष्टि से हमें वो भिक्षुक लगते हैं, लेकिन आंतरिक दृष्टि से वो उनका मन तो कहां पर है, उनका मन जो है वो तत्व चिंतन ब्रह्म चिंतन वो जो प्राण की उपासना करते हैं उसी में उनका मन लगा हुआ है। और इसलिए कहते हैं संवर्ग रूपताम चित्ते धारयित्व, अब बाह्य जो करना है वो करते रहेंगे लेकिन आंतरिक रूप से वो अपने स्वरूप में रहते हैं धारयित्व। आप देखो ये हमारे जीवन में भी ये होता है, ऐसा नहीं है कि ये जो ब्रह्मचारी है ब्रह्मज्ञानी है उनके लिए होता है, कई बार ऐसे हमारे साथ भी होता है जो हमारा दैनिक आयोजन है तो बहुत जो हमारा दैनिक जीवन जो है वो यांत्रिक है, हर रोज करने का होता है, एक ही वस्तु हर एक जो है वो करने की होती है तो वो हम करते रहते हैं, लेकिन मन में जो विचार चलते हैं वो भी चलते रहते हैं। तो बाह्य दृष्टि से कुछ और हो रहा है, आंतरिक दृष्टि से वो कुछ और चिंतन करते हैं। उसी प्रकार से यहां पर भी कहते हैं कि ये भिक्षाटन करेंगे, राजा के पास जाएंगे, वो भिक्षा मांगते भी है लेकिन भिक्षा मांगते समय भी उनके मन में जो है मुख्य प्राण की जो संवर्ग उपासना जो है उससे उनका मन हटता नहीं है। आप समझो न निवृत्त, एक बार ब्रह्म ज्ञान हो गया वो उनकी निवृत्ति नहीं होती है। उसी प्रकार से यहां पर भी छांदोग्य उपनिषद में ये होता है, छांदोग्य उपनिषद में ये मंत्र है, वो संवर्ग प्राण में हो उस प्रकार की उनकी जो उपासना की जो वृत्ति है वो वृत्ति हटती नहीं है, वो वृत्ति रहेगी। जिस प्रकार से जो अभिनेता होते हैं ना वो भिक्षुक है भिखारी बन गए लेकिन अंदर वो जानते हैं मैं अभिनेता हूं। आप देखो तो अपने जो स्वरूप है वो स्वरूप का ज्ञान उनका रहेगा, बाह्य दृष्टि से जो है सब वस्त्र है आंख में जो आंख के जो भाव है मन में जो भाव है मुख पर जो भाव है उनके जो क्रिया है उनकी चेष्टा जो है वो भी एक भिखारी की भिक्षुक की चेष्टा है। तो बाह्य दृष्टि से तो वो भिखारी ही है,
लेकिन अंदर से वो जानता है मैं अभी नहीं कर रहा हूं। उसी प्रकार छंद के उपनिषद में दर्शाया है कि बाह्य दृष्टि से तो वैसा के वैसा ही रहेगा, लेकिन आंतरिक दृष्टि से वो जो संवर्ग प्राण की उपासना कर रहा है, जिसमें वो अहम बुद्धि करके कह रहा है कि ये मुख्य प्राण में हूं, जिसके कारण ये संपूर्ण जगत के जो प्राणियों की जो स्थिति है वो मुख्य प्राण में हूं, उस प्रकार से वो उपासना करते हैं, तो उनकी बुद्धि जो है वहां से निवृत्त नहीं होती है। और इसलिए कहते हैं स्वर संवर्ग रूपताम चित्ते धारयित्वा हि अभिक्षत अभिक्षत, वो अभिक्षा मांगता है, लेकिन वृत्ति में तो वही है, मुख्य प्राण में हूं, ये उपासना भी रहती है। देखो इसलिए मैं आगे भी कह के गई कि अगर आप सोचते हो कि आंख मूंद के पद्मासन में बैठ के ही हम ध्यान करेंगे, वो प्रारंभिक स्थिति है, आप समझो प्रारंभ में ये करना पड़ेगा, लेकिन एक बार हमारी वो स्थिति हो गई फिर हम जो भी कर्म करते रहेंगे, अंग्रेज उसको बैक ऑफ माइंड ऐसे कहते हैं, मन में वो चिंतन होता रहेगा। और इसलिए कहते हैं कि बाह्य दृष्टि से वो भिखारी बने, जो भिक्षुक है ब्रह्मचारी जो है वो भिक्षाटन करते हैं, लेकिन अंदर से वो अपने आप को मुख्य प्राण स्वरूप ही उपासना करता रहता है। ही शब्द है ना, मतलब ही अभिक्षत, तो ह का अर्थ क्या हुआ है, मानी वो एक भार पूर्वक कहते हैं कि अपने मुख्य प्राण स्वरूप में उनकी स्थिति है, बाह्य दृष्टि से भिक्षाटन हो रहा है, आंतरिक रूप से तो वो अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। और इस प्रकार से श्रुति प्रसिद्ध है, माने कि ये श्रुति प्रसिद्ध छांदोग्य उपनिषद में इस प्रकार से मंत्र हमें देखने को मिलता है। वो संवर्ग विद्या जो है, अग्नि संवर्ग है, वायु संवर्ग है, आप देखो उसी प्रकार से मुख्य प्राण जिसके कारण ये संपूर्ण जगत में प्राण धारण होता है, वो मुख्य प्राण भी मैं हूं। तो इस प्रकार से जब वो प्राण में, मुख्य प्राण में उनकी उपासना जो हो रही है, तो वो कर्म भी करते हुए भी वो उपासना उनकी रहती है, उपासना में कोई भंग नहीं होता है, विक्षेप नहीं होता। देखो इसलिए योग में जो समाधि की ध्यान की हम बात करते हैं, और ये जगत में जो हम देखते हैं, और ये वेदांत की जो बात है वो अलग है। योग में तो समाधि अवस्था भी है और विक्षेप व्युत्थान अवस्था भी है, वेदांत में ही व्युत्थान अवस्था में भी वो ब्रह्म की उपासना है, आप समझो। इसलिए योग और वेदांत दो अलग है। योग में तो व्युत्थान अवस्था जब होती है तो वो चिंतन छूट जाता है, यहां चिंतन छूटता नहीं है। भिक्षाटन करते समय भी उनका जो मैं मुख्य प्राण स्वरूप संवर्ग विद्या जो है, संवर्ग रूप में हूं, उनका वो चिंतन होता रहता है। और इसलिए ब्रह्मभारती तीर्थ मुनि कहते हैं कि छांदोग्य उपनिषद में दर्शाया है कि बाह्य प्रारब्ध जो है वो प्रारब्ध के अनुरूप जो करना है वो करते रहते हैं, लेकिन उनका मन जो है वो उपासना में ही रहता है। ये भी संभव है, लेकिन ये कब संभव बनता है, दीर्घ काल पर्यंत जब इस प्रकार से हम चिंतन करते हैं तो ये भी संभव बनेगा हमारे लिए। आगे पुरुषस्य इच्छया कर्तुम अकर्तुम कर्तुमन्यथा शक्योपास्तिरतो नित्यम कुर्यात् प्रत्यय संततिम कुर्यात् प्रत्यय संततिम।
मैंने जो कहा ना कि दीर्घ काल पर्यंत ये करना पड़ेगा, और इसलिए कहते हैं नित्यम खुर्यात प्रत्यय संततिम। प्रत्यय संततिम माने कि वही एक प्रत्यय, मैं पूर्ण ब्रह्म हूं या तो मैं मुख्य प्राण हूं, तो वो प्रत्यय की संतति सातत्य उनका होना चाहिए, और वो एक या दो दिन में नहीं होगा, नित्य नित्य निरंतर। उस प्रकार से हम जब ध्यान करते हैं, नित्य निरंतर हम जब वो चिंतन करेंगे तो वो हमारा स्वभाव बन जाएगा, और एक बार वो स्वभाव बन गया फिर वो भिक्षाटन में भी वही चिंतन रहेगा, लेकिन पहले बैठ के ध्यान में ये चिंतन करना है। और इसलिए कहते हैं क्योंकि उपासना है कर्म है, और उपासना जब कर्म है तो कर्म में क्या होता है, पुरुषस्य इच्छा, हम देख के गए बोध वस्तु तंत्र है, लेकिन कर्म जो उपासना है वो तो पुरुष तंत्र है, पुरुषस्य इच्छा। आप देखो पुरुष की जो इच्छा है कर्तुम इच्छा, करने की इच्छा होगी, अकर्तुम इच्छा न करने की इच्छा रहेगी, अन्यथा कर्तुम अन्य प्रकार से करने की भी उनके मन में इच्छा रहेगी, शक्य है उपास्थी ही। और देखो और इसीलिए ये उपासना कर्म है, और कर्म में हमें ये विकल्प है, करते हैं नहीं करते हैं, अन्य प्रकार से भी हम कर सकते हैं, लेकिन जब ये उपासना जब हम करते हैं उपास्ती ही आप समझो, तो हमारी जो ये इच्छा है, जो हमारे पास जो ये संकल्प शक्ति है, हमारे पास जो ये विकल्प है, वो विकल्प का भी हमें त्याग करना पड़ेगा, और एक ही उपासना में बैठ के वो हमें करते रहना है। अतः प्रत्यय संततिम नित्यम कुर्यात, नित्य वो संतति हमें करनी पड़ेगी, अन्य की इच्छा भी हमारे मन में जागृत हो जाएगी, लेकिन वो नहीं करना है हमें, अन्य प्रकार की इच्छा हमारे मन में जागृत होती है, अन्य प्रकार से कुछ करने का मन होता है हमारा, लेकिन वहां से हमारे मन को हटा के क्या करना है, प्रत्यय संततिम नित्यम कुर्यात, वही एक नित्य वृत्ति हमें धारण करनी है, मैं पूर्ण ब्रह्म हूं। अब देखो हम आगे देख के गए, सजातीय वृत्ति प्रवाह दीर्घ काल पर्यंतम, और इसलिए कहते हैं कि उपासना कर्म है, और कर्म में हमें स्वतंत्रता है, कर्तुम शक्य अकर्तुम शक्य अन्यथा कर्तुम शक्य, लेकिन वो जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता पर हमें ब्रेक लगानी पड़ेगी, और एक ही वृत्ति का चिंतन हमें करना है। देखो इसलिए ये ध्यान क्यों हमें कठिन लगता है, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता वहां जो है ना, वो स्वतंत्रता जो है तत्काल पर, तत्काल हमें वो पर जो ध्यान के समय, तत्काल माने ध्यान के समय पर हमें हमारी स्वतंत्रता को भी वहां रुकवा देने पड़ता है, रोक देना है हमें, अन्य कुछ करने की इच्छा होगी हमारे मन में, न करने की भी हमारे मन में इच्छा होगी, आज नहीं करना है, नहीं आज तो हम ये करेंगे। अब भगवान इसलिए भी एवं सतत युक्त, एवं इस प्रकार से सतत नित्य निरंतर हमें करना पड़ेगा, और इसलिए भारतीय तीर्थ मुनि कहते हैं उपासना कर्म है, और कर्म में हमें विकल्प भी प्राप्त होते हैं, लेकिन सब विकल्प को एक बाजू करना पड़ेगा, हमारी जो स्वतंत्रता है वो स्वतंत्रता को भी वहां हमें रोक देना है, और नित्य निरंतर एक वृत्ति का प्रवाह होना चाहिए। संवर्ग विद्या का चिंतन करते हैं तो वो वही चिंतन होना चाहिए। और इसलिए कहते हैं अतः प्रत्यय संततिम नित्यम कुर्यात, नित्य सतत निरंतर ये करता रहे, जब हम नित्य निरंतर ये करते रहेंगे तो उसी में हमारी स्थिति हो जाएगी।
और इस प्रकार से जो ब्रह्म का ध्यान करने वाले जो उपासक है उनको नित्य निरंतर अपनी वृत्ति के गर्भ में वो ब्रह्म को धारण करना है उनको। और इस प्रकार से जब ब्रह्म को वो धारण करते हैं तो वो किस प्रकार से करते हैं, और जब ये ब्रह्म का हम ध्यान करते रहते हैं तो धीरे धीरे हमारे मन में वो ब्रह्म के संस्कार भी पड़ते हैं। और इसलिए आगे के श्लोक में वो दर्शाते हैं, वेदाध्याय प्रमत्तः, वेदाध्याय प्रमत्तः, अधीते स्वप्न अधिवासतः, अधीते स्वप्न अधिवासतः, जपिता तु जपत्येव, जपिता तु जपत्येव, तथा ध्यातापि वासयेत्, तथा ध्यातापि वासयेत्। बहुत सुंदर कहते हैं कि ये हमारे मन का स्वभाव है, जो हम बार बार करते रहते हैं, पुनः पुनः जो हम करते रहते हैं मन में उनका स्वभाव बन जाता है। उतना ही नहीं, स्वप्न में भी हम वही करेंगे। और इसलिए कहते हैं वेदाध्यायी ही अप्रमत्तः, अप्रमत्तः सावधानता पूर्वक जो वेद अध्ययन करने वाला वेदाध्यायी, स्वप्ने अपि अधि स्वप्ने अधिवासतः। अब देख स्वप्न में भी वो वेद अध्ययन ही करेगा क्योंकि वो उनका स्वभाव बन गया है ना। जपिता तू जपत्येव, जो पुरुष अपने जीवन को जप में समर्पित कर दिया है वो स्वप्न में भी जप ही करेगा उसी प्रकार से। तथा ध्याता पिवासयेत, जो ब्रह्म चिंतन कर रहा है, ब्रह्म चिंतन की जिसको जिसकी वासना बन गई है तो वो स्वप्न में भी ब्रह्म चिंतन ही करेगा। आप सब इसीलिए दीर्घ काल पर्यंत जब हम करते हैं तो उनकी वासना उनके संस्कार हमारे मन में बन जाते हैं। और एक बार अगर ये सब संस्कार हमारे मन में बन गए, हमारी वो वासना बन जाती है, फिर स्वप्न में भी वही करेंगे। एक बार उड़िया बाबा के पास कोई साधक गया, युवान था, तो बोला कि महाराज जी ये मैं साधक हूं, मैं भक्त हूं, वो ठीक है, मैंने ये जीवन अपना जीवन जो है इस प्रकार से मैंने बना लिया है, एक साधु जीवन है, लेकिन मैं सही में भक्त हूं, मैं सही में साधु हूं, मैं मुझे कैसे पता चलेगा। अब देख भक्ति तो मैं कर रहा हूं, जीवन भी भक्ति के अनुरूप है, लेकिन मैं सही में एक प्रमाणिक भक्त हूं, मैं वो मैं कैसे जान सकता हूं। उड़िया बाबा ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था, अगर स्वप्न में भी आप अपने आप को भक्त के रूप में देखते हो तो आप सही भक्त हो। अब देखो वही बात यहां भारती तीर्थ मुनि कह रहे हैं कि जो वेद अध्ययन करता है और जिसने अपना जीवन वेद अध्ययन में समर्पित कर दिया है तो वो स्वप्न में भी वेद अध्ययन ही करेगा। जो जप कर रहा है और जिसने अपना जीवन जप में समर्पित कर दिया है तो स्वप्न में भी वो क्या करेगा, जप ही करेगा। उसी प्रकार से ध्याता अपि, जो ब्रह्म का उपासक जो है वासयेत, अपने संस्कार के कारण, वास है अपने संस्कार के कारण, वो ब्रह्म का ही ध्यान करेंगे, बुद्धि में वही है। आप देखो तो स्वप्न में भी अपने आप को किस प्रकार से देखेंगे, ब्रह्म के उपासक के रूप में ही वो अपने आप को देखते हैं। देखो इसलिए आप अपने आप को स्वप्न में किस प्रकार से देखते हो ना, वो आप सही है। बाहर आप सबके सामने किस प्रकार से प्रकट होते हो वो अलग है, स्वप्न में आप अपने आप को कैसे देखते हो। अगर आप ब्रह्मचारी है तो स्वप्न में भी आप ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी है तो स्वप्न में भी आप सन्यासी होना चाहिए। आप समझ, तो आप अपने बारे में जो सोचते हो ना वो स्वप्न में आपके लिए आएगा,
और इसलिए कहते हैं कि अगर ब्रह्म की उपासना कर रहा है और उनके संस्कार इतने दृढ़ हो जाते हैं, उनकी वासना इतनी दृढ़ हो जाती है कि स्वप्न में भी वो अब ब्रह्म की उपासना ही करेगा, वो सिनेमा देखने नहीं जाएगा, वो डीजे नहीं करेगा। तो इतने आप देखो, इतनी दृढ़ता ब्रह्म की उपासना में नित्य निरंतर हमें करना है। इतनी दृढ़ता जब तक नहीं आती है तब तक ये ध्यान हमें करते रहना है। वो हम अंग्रेज उसको दे, इट शुड बिकम योर सेकंड नेचर, आप देखो वो आपका स्वभाव बन जाना चाहिए। और इसलिए स्वप्न में भी आप वही करेंगे, दूसरा और कुछ नहीं करेंगे। इतने संस्कार दृढ़ हो गए हैं कि स्वप्न में भी आप वही करते रहेंगे। तो बोले कि ये दृढ़ता अगर लानी है, वो दृढ़ता कैसे आएगी, किसके कारण ये दृढ़ता होती है, तो अगले श्लोक में हमें दर्शाते हैं। विरोधी प्रत्ययम् त्यक्त्वा, विरोधी प्रत्ययम् त्यक्त्वा, नैरन्तर्येण भावयन्, नैरन्तर्येण भावयन्, लभते वासनावेशात्, लभते वासनावेशात्, स्वप्नादावपि भावनम्, स्वप्नादावपि भावनम्। ये अनुष्टुप छंद है, इसलिए अनुष्टुप छंद के लिए जो आवश्यक है वो करेंगे। विरोधी प्रत्यय माने कि विजातीय प्रत्यय। ब्रह्म तत्व का चिंतन हमें करना है तो ब्रह्म तत्व से अन्य सब प्रकार के जो चिंतन है, विरोधी प्रत्ययम् त्यक्त्वा, उनके जितने भी विरोधी प्रत्यय है सबका हम त्याग कर देते हैं। नैरन्तर्येण भावयन्, नैरन्तर निरंतर, निरंतर हम ब्रह्म चिंतन करें, वो भावयन, वो ब्रह्म भावना हम करते रहेंगे। मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, आप देखो वो भावना करो, आप हम आगे देख के गए कि झूठ मूठ ही ये भावना आप करते रहो। मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, मैं शांत ब्रह्म हूं, तो इस प्रकार से भावयन भावना करते हुए लभते वासना आवेशात, उसी प्रकार से वो लभते, वो हमारी वासना बन जाते हैं, आवेशात, वो वासना का आवेश होता है। और जब ये वासना का आवेश बन जाता है तो आवेश के कारण वासना आवेशात स्वप्नादौ अपि भावनाम, स्वप्न आदि में भी वही भावना रहेगी हमारी। लेकिन वो जागृत अवस्था में नित्य निरंतर हो वो भावना हम करते रहेंगे, वो भावना जब हम करते रहेंगे तो हमारी वासना इतनी दृढ़, ब्रह्म वासना हमारी इतनी दृढ़ हो जाएगी कि स्वप्न में भी हम वो ब्रह्म चिंतन ही करेंगे। अब देखो, और इसीलिए आगे जो कहा ना कि हमारे कर्म की स्वतंत्रता है हमारे पास, लेकिन वो स्वतंत्रता को हमें तत्काल पर अलग कर देना है, ये भी करूं ये भी करूं नहीं करना है। मन में आएगा आज ध्यान नहीं करना है, नहीं करना है, अन्यथा अलग प्रकार से करना है, नहीं करना है अलग प्रकार से। और इसलिए कहते हैं कि विरोधी प्रत्ययम् त्यक्त्वा, ब्रह्म तत्व ब्रह्म पूर्ण है, ब्रह्म नित्य है, ब्रह्म नित्य शुद्ध है, जो जो अशुद्ध है, जो अनित्य है, जो अपूर्ण है, वो सब प्रत्यय का हमें त्याग करना पड़ेगा। विरोधी प्रत्यय का त्याग जब हम कर देते हैं और नित्य निरंतर स्वरूप चिंतन हम करते हैं तो वो भावना जो हमारी बनेगी, वो भावना जो हमारी बनती रहती है वही वासना बन जाते हैं, संस्कार बन जाते हैं। और वो वासना के आवेश के कारण, वो वासना के आवेश के कारण स्वप्न में भी आप ब्रह्म चिंतन ही करेंगे। तो यहां ये दृढ़ संस्कार हमें बनाना है, और इसीलिए ये कर्म है, आपके संकल्प से, आपके संकल्प शक्ति से ही आपको ये करना है। तो देखो, तो आपके संकल्प शक्ति से आपको ये वासना बनानी है,
नित्य निरंतर हम चिंतन करते रहेंगे और वासना का आवेश इतना हो जाएगा कि दूसरी कोई वृत्ति को कोई स्थान मिलता नहीं है। जप करने वाला है वो जप ही करता रहेगा, स्वप्न में भी वो जप करेगा। अब जिसको वेद अध्ययन का वासना बन गई है तो स्वप्न में भी वो वेद अध्ययन ही करेगा। उसी प्रकार से जो यहां ब्रह्म चिंतन कर रहा है तो स्वप्न में भी वो ब्रह्म चिंतन ही करता रहेगा, क्योंकि उनकी वासना का आवेश इतना बन जाता है। और इसलिए कहते हैं कि इस प्रकार से उपासना जो करने वाले हैं, उपासना की दृढ़ता उनको प्राप्त करनी है, विरोधी प्रत्यय का त्याग करते रहना है और ब्रह्म चिंतन स्वरूप चिंतन में हमारी बुद्धि को लगाते रहना है और उनको हमारी वासना हमारी भावना उनको बना देना है, फिर वो आवेश उनका आएगा। और इसीलिए नित्य निरंतर ये करना है, नित्यम कुर्यात् प्रत्यय संततिम, नित्य वो चिंतन आप करते रहो। आप जो करना है प्रारब्ध करो, करते रहो, लेकिन बैक ऑफ माइंड आप वो चिंतन करते रहो, मैं पूर्ण ब्रह्म हूं, मैं अखंड चैतन्य स्वरूप अखंड एक रस सोहमिति। आप आगे हमें बहुत कुछ दर्शाते हैं, तो ये सब चिंतन हम करते रहेंगे तो धीरे धीरे वो हमारी वासना बन जाएगी। और जब वो वासना बन जाती है तो वो हमारे लिए बहुत सहज हो जाता है, फिर कोई विशेष प्रयत्न की आवश्यकता नहीं रहेगी, विशेष संकल्प की आवश्यकता नहीं रहेगी, बहुत सहज हो जाए। जब वो सहज हो जाता है तो स्वप्न में भी आप वही करेंगे। आगे हम कल देखें। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिम महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी सस्य शालिनी देशो यंक्षोभरहितः ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम।